हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल टेक अमित। आज हम लोग देखेंगे आधार से पैन कार्ड कैसे लिंक करते हैं। पहले आइए चलिए देख लेते हैं। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट में जाके जादूत घुसते हैं, इनकम टैक्स .gov.in में। उसके बाद होम में जाएंगे, होम में क्लिक किए। होम में क्लिक करने के बाद लिंक आधार स्टेटस, अगर पहले से आपका लिंक हुआ है तो वहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं है तो लिंक आधार में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इधर आके आपको पैन नंबर और आधार नंबर देना है। पैन नंबर और आधार नंबर देने के बाद आपको जाना है वैलिडेट में। वैलिडेट में जैसे क्लिक किया आएगा कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर फिर से मांगेगा, वहाँ पे पैन नंबर आप दीजिए। पैन नंबर देने के बाद वही पैन कन्फर्म पैन, वहाँ पे भी आपको सेम पैन देना है जो आप इधर दिए हैं। यहाँ पे पैन नंबर लिख के पैन नंबर देने के बाद अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद कंटिन्यू जैसे कीजिएगा, ओटीपी आएगा आपका मोबाइल नंबर पे, वही ओटीपी आपको देना है। देने के बाद कंटिन्यू करना है, ओटीपी दीजिए। ओटीपी दे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ असेसमेंट ईयर आपको बोलेगा, तो असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कर लीजिए 24-25, और इधर टाइप ऑफ माइनर हेड अदर रिसीट 500 में सिलेक्ट करके फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार बुक सिलेक्ट करके कंटिन्यू प्रेस कीजिए। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद यहाँ का आपका टैक्स डिटेल पूरा आएगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा 1000 शो कर रखने, तो वहाँ पे आके कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये पेमेंट प्रोसेस करने के बाद ये सारा डिटेल्स है, ये आप जैसे मर्जी कीजिए। हम अपना किए ऑनलाइन, आप डेबिट कार्ड थ्रू भी कर सकते हैं। पे नाउ कीजिए। पे नाउ करके टर्म एंड कंडीशन में ये पूरा लास्ट में आके एग्री कीजिए करके सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये आपका बैंक का पोर्टल में घुस जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे देते हैं, देके इसको सबमिट कीजिए, लॉगिन कीजिए। पहले लॉगिन करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। पे नाउ करने के बाद यहाँ पे पे नाउ करने के बाद यहाँ पे कॉन्फर्म दीजिए। कॉन्फर्म में क्लिक कीजिए। कॉन्फर्म में क्लिक कीजिए। कॉन्फर्म क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ शो करेगा बैंक का, जो आपका 1000 रुपीज़ यहाँ से डिडक्ट हो रहा है। उसके बाद ये आपका रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने पे आपको दिखाएगा आपका रिसिप्ट ऑप्शन कि आपको पेमेंट हो गया। ये चालान रिसिप्ट है आपका, आप फिर लिंक कर दीजिए आधार का। फिर सब पोर्टल में आके लिंक आधार में क्लिक कीजिए। लिंक आधार में क्लिक करने के बाद अपना पैन और आधार नंबर फिर से दीजिए। पैन नंबर दीजिए, उसके बाद नीचे है यहाँ पे आप आधार नंबर दीजिए। आधार देके वैलिडेट कीजिए। जैसे वैलिडेट कीजिएगा यहाँ पे आपका नाम और मोबाइल नंबर डालना है। के बाद एग्री टू वैलिडेट आधार डिटेल्स करके लिंक आधार कर दीजिए। लिंक आधार करने के बाद आपके यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी देके वैलिडेट कर दीजिए। जैसे वैलिडेट कीजिएगा ये आपको मैसेज आएगा 48 आवर्स में ये अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।